नमस्कार, नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम के बारे में। कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम कलाई में मीडियन नर्व के इंट्रैपमेंट के कारण होता है, जिसमें पाम में वीकनेस आ जाता है, दर्द होता है, टिंगलिंग इफेक्ट दिखता है, नंबनेस और बर्निंग सेंसेशन महसूस होता है। यह अधिकतर 30 से 50 साल के उम्र में दिखाई देता है। ऐसा काम करना जिसमें हाथ और कलाई बार बार ट्विस्ट और टर्न होते हैं, उनमें डेवलप हो सकता है। कार्पल ट्यूनल कलाई के बोन तथा टफ कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, जिसे ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट कहते हैं। इसी टनल के बीच से मीडियन नर्व होकर पाम में जाता है। टनल में किसी भी तरह का स्वेलिंग या थिकनिंग के कारण मीडियन नर्व कंप्रेस हो सकता है। कार्पल लिगामेंट और टेंडन के बीच इसी कंप्रेशन के कारण नर्व, जो कि थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल और रिंग फिंगर को कंट्रोल नहीं कर पाता और कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। आइए आगे इसके कॉज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देखते हैं। कॉज की अगर हम बात करें तो यह प्रेगनेंसी या फिर किसी और कंडीशन में जिसमें बॉडी टिश्यू स्वेल हो जाते हैं के कारण हो सकता है। डिसलोकेशन, मोच, कलाई में फ्रैक्चर या रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी इसका कारण हो सकता है। इसके अलावा रिस्ट ज्वाइंट का इन्फ्लामेशन, ट्यूमर, इडेमा, ट्यूबरकुलोसिस या डायबिटीज मेलाइटिस भी इसके कारण हो सकते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें दर्द ट्रेवल करता है, जो कि पंजों से कलाई, कुहनी, उसके बाद कंधा और कभी कभी गर्दन तथा चेस्ट तक ट्रेवल कर सकता है। कई बार हाथों को अच्छे से सेक करने पर दर्द थोड़ी देर के लिए चला जाता है। हाथ के पंजों और उंगलियों में ड्राइनेस और वीकनेस महसूस होता है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके अलावा प्रिलिमिनरी डायग्नोस्टिक टेस्ट और एक्सरे इमेजिंग टेस्ट भी करते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें पहला एम रहता है कि मीडियन नर्व से प्रेशर को हटा देना। इसके अलावा कार्पल ट्यूनल में कॉर्टिसोन इंजेक्शन भी यूज होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।